पांच ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने देश के लिए T20 क्रिकेट खेला और फिर बन भी गए उस टीम के T20 हेड कोच। तो जानते हैं दोस्तों ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अपने देश के लिए खेले भी हैं और उनके हेड कोच का कभी भार संभाल रहे हैं। T20 क्रिकेट एक नया प्रारूप है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय टीमें अपने मुख्य कोच की नियुक्ति करते समय अनुभव के लिए जाती है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले कुछ खिलाड़ी भी टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। इस संबंध में हमारे पास कुछ उदाहरण है। इसी के साथ यहाँ हम उन पांच खिलाड़ियों पर नजर डालेंगे दोस्तों जिन्होंने अपने देश के लिए T20 मैच तो खेला ही है और साथ ही उनके T20 हेड कोच भी बनकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। हमारे इस लिस्ट के नंबर 5 पे है मार्क बाउचर। मार्क बाउचर उन खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने अपने देश के लिए T20 क्रिकेट मैच खेला है, फिर उनके T20 हेड कोच भी बन गए। बाउचर ने अपने कैरियर के अंतिम कुछ महीने में कुछ T20 मैच खेले थे। दक्षिण अफ्रीका को फॉर्म में गिरावट के बाद अपने ट्रांजिशन पीरियड को किक स्टार्ट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ग्रीम स्मिथ के बॉस बनने के साथ ही बाउचर को हेड कोच बनाया गया। उन्होंने टीम को एक मजबूत टीम विकसित करने में बहुत मदद की। हालांकि 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस में हेड कोच की भूमिका निभाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। नंबर 4, मिसबाउल हक। मिसबाउल हक ने अपने कैरियर की शुरुआत देर से की थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट पर एक बड़ी छाप छोड़ी है। एक कप्तान और एक बल्लेबाज के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें पाकिस्तान को उसके संस्करण काल में काफी अच्छा प्रदर्शन करवाया। एक क्रिकेटर के रूप में अपने कार्यकाल के बाद मिसबाह ने टीम के मुख्य कोच के रूप में भी काम किया, जैसे पिछले कुछ समय से है। पाकिस्तान क्रिकेट में यह भूमिका हमेशा विवादों में घिरी रहती है। मिसबाह हालांकि कार्यकाल के हकदार थे। नंबर 3, पॉल कॉलिंगवुड। पॉल कॉलिंगवुड उन खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने अपने देश के लिए T20 मैच तो खेला ही है और उस टीम के हेड कोच भी बनकर आ गए। यहाँ एक और T20 विश्व कप विजेता कप्तान है जो टीम के कोच बने। हालांकि पॉल कॉलिंगवुड को इंग्लैंड टीम के शीर्ष पर एक लंबा कार्यकाल नहीं मिला, जबकि उन्होंने सहायक कोच के रूप में कार्य किया। यह केवल तब था जब बोर्ड इंटरव्यू प्रक्रिया आयोजन कर रही थी कि पॉल पक्ष के मुख्य कोच थे। देखना होगा कि भविष्य में उन्हें मौका मिलता है या नहीं। नंबर 2, डैरेन सैमी। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान इस सूची में शामिल होने के लिए नवीनतम है। उन्हें हाल ही में वेस्ट इंडीज वाइड बॉल क्रिकेट का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व ऑलराउंडर की थाली में बहुत कुछ होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज हाल ही के दिनों में काफी अच्छे फॉर्म में नहीं नजर आई थी। एक कप्तान के रूप में सैमी ने T20 विश्व कप में 2 जीत हासिल की है, जबकि उनके पास एक उत्कृष्ट टीम थी। उन्होंने अपने कप्तानी कौशल के साथ इसका काफी अच्छा उपयोग किया। और हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पे है राहुल द्रविड़। यह उनके कैरियर के अंतिम वर्षों में था जब T20 प्रारूप तस्वीर में आया था। शुरुआत में BCCI ने इस फॉर्मेट के लिए सीनियर्स को अलग रखा था, क्योंकि उनके रिटायर होने के बाद राहुल को देश के लिए एक मैच खेलने का मौका मिला। वर्तमान में वह भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं। उन्होंने भारत को 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी पहुंचाने में मदद की। भारत 2023 एक दिवसीय विश्व कप में कैसा प्रदर्शन करता है इस पर निर्भर करते हुए राहुल को वेस्ट इंडीज और US में 2024 T20 विश्व कप में सफलता मिल सकती है, इसकी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये थे हमारे 5 बेहतरीन प्लेयर दोस्तों जिन्होंने अपने देश से T20 मैच तो खेला ही और उस टीम के मुख्य कोच बनकर भी आ गए। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद।